किसान भाइयों नमस्कार। आज उन विशेष कृषि संस्थान जैसा कि समय समय पर ऐसे वीडियोस डालता रहता है जो कृषि के लिए और किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आज सौभाग्य की बात हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक बलरामपुर चीनी मिल और वर्तमान में अपनी खेती अपनी गन्ने की खेती कर रहे श्रीमान निर्मल सिंह जी। भाई साहब, आप अपने खेत पे बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और आप अपने गन्ने की खेती के अनुभव, गन्ने में प्रजातियां, गन्ने में टेक्नोलॉजी, गन्ने में अन्य समस्याएं हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव आपके माध्यम से मिलेंगे, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कुछ बताने की कृपा करें। धन्यवाद विनीत जी। गन्ने में टेक्नोलॉजी और वैरायटियों का अपना विशेष स्थान है। समय समय पे जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं उसी के आधार पे समय समय पे खेती के तौर तरीकों में बदलाव होता रहता है और नई नई प्रजातियों का जो विकास कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, उनसे भी किसान को लाभ होता है और लाभ हो रहा है। अभी जल्दी ही में विगत कई वर्षों से 238 वैरायटी काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर इस बार आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें लाल सड़न रोग का प्रकोप ज़्यादा हो गया है। इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह फैक्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है, उसका छिड़काव करके गन्ने को बोएं, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। 238 के लिए तो यही एक विकल्प है, वैरायटी किसानों के हित की थी, उपज ज़्यादा अच्छी थी, चीनी मिलों में पड़ता ज़्यादा था। इसके अलावा जब 238 में बीमारी आ ही गई है तो किसान भाइयों से निवेदन है कि दूसरी वैरायटियों पर भी विचार करें और गौर करें। वैरायटी 98014 पिछले साल मैंने अक्टूबर में लगाई थी, मैंने 3 वैरायटियाँ अक्टूबर में नई लगाई, 3 क्या 4, आपकी कोसा 98014, 9232, 12029 और 8276। मेरे अपने अनुभव के आधार पर 8276 प्रजाति मुझको सामान्य में अच्छी लगी और 98014 भी शीघ्र प्रजाति में अच्छा गन्ना है। गन्ना पतला है परंतु लंबाई बहुत अच्छी होने के कारण वजन भी गन्ने का अच्छा आता है और वही स्थिति 9232 और 12029 की है। जब किसी वैरायटी में रोग लग रहा हो, ज़्यादा ही वो हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नई प्रजातियों का चुनाव करना पड़ेगा। इन नई प्रजातियों में आप अर्ली में 98014 भी लगा सकते हैं, 118 भी अच्छी वैरायटी है, 8272 भी अच्छी वैरायटी है इसकी, और सामान्य में मैंने जो लगाया है, मैं जो देख रहा हूँ मौके पर, वो 9232 अच्छी वैरायटी लगी, 12029 भी अच्छी है और 8276 तो सभी से अच्छी है, सभी की पेड़ी भी रेटूनिंग भी अच्छी है। इसके अलावा पैकेज एंड प्रैक्टिसेस में आप एक तो 4 फीट पे गन्ना बोएं, अब तो 3 से 4 का भी सिद्धांत आ गया और 5 का भी सिद्धांत आ गया, 5 फीट पे भी गन्ना बोने का वो हो गया। मेरा गन्ना 4 फीट पे ही बोया गया है लगभग सभी गन्ना मेरा, जिससे गन्ने को पूरी हवा और पूरा खाद पानी मिलता है, आप अंदर घुस के उसकी देखभाल भी कर सकते हैं, गन्ने की बंधाई भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, गन्ने को बढ़वार के लिए पूरा स्पेस मिलता है। और मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरे पास अक्टूबर सोइंग ही ज़्यादा है, अक्टूबर में बोए गन्ने का कोई मुकाबला नहीं, उसके साथ आप सह फसली खेती भी ले सकते हैं और मैं ले रहा हूँ, सरसों मटर मैंने लगा रखा है, मसूर भी लगाई है, तो सभी
फसलें हमारी ठीक चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं कहा जाए। और पेड़ी 238 की पेड़ी मैंने रखी है दोबारा, उसमें मैंने ब्लीचिंग पाउडर और ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करवा दिया है और भविष्य में उसके ऊपर नज़र रखूंगा, क्योंकि 238 किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी थी, किसानों के लिए भी और चीनी मिलों के लिए भी, पड़ते की उपज की स्थिति से किसानों के लिए और चीनी पड़ते की स्थिति से मिल के लिए, क्योंकि जब चीनी पड़ता अच्छा होगा तो किसानों को पेमेंट भी उतनी ही तेजी के साथ मिलेगा, जब मालिकों का फायदा होगा तभी हमारा भी फायदा होगा। तो 38 को एक साथ ऐसे ना जाने दें, उसका ऊपर का दो तिहाई, एक तिहाई हिस्सा बोके दो तिहाई चीनी मिल को सप्लाई करें, कोशिश करके एक बार वैरायटी को बचाने का जरूर प्रयास करें सभी लोग, तो बेहतर होगा। और कोई बात हो अभी इसमें, इसमें भाई साहब जैसे आपने लगभग 7 वैरायटी लगा रखी है, इसके अलावा भी 3 वैरायटी मार्केट में है, जैसे एक COL के 14201 या 94201 14201 है, और ये 13235 है COS 13235 जी, और एक ये 15023 15023 है। हाँ, 3 वैरायटी और भी मार्केट में आ गई है जी, उसके अलावा 7 वैरायटी आपके पास है जी। नहीं, 15023 का भी थोड़ा सा बीज है जी जी जी, और 14201 और वो तो अभी नहीं है जी जी जी, तो उसको मैं इस सत्र में जी जी प्रयास करूंगा लाने का। तो कोई भी एक वैरायटी जिसको मैं इन प्रजातियों में भाई साहब सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो 0238 को टक्कर दे सके, क्या ऐसी कोई है वैरायटी अभी? अभी हमने 14201 और 13245 का परीक्षण नहीं किया, इस आधार पे तो हम नहीं कह सकते, परंतु अभी 238 के टक्कर की इनमें से कोई भी वैरायटी नहीं है। 15023 के बारे में काफ़ी चर्चा है। यस, 15023 के बारे में चर्चा है, परंतु जब मौके पर उसको देखा जाएगा जी जी, साइंटिस्ट फील्ड पे और फार्मर फील्ड में बहुत अंतर होता है जी जी जी। फार्मर फील्ड पे आदमी के सामने, किसान के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं जी जी, मौके पर वो कर पा रहा है क्या, खाद पड़नी है डाल पा रहा है या कहने के लिए है, ये सब चीज़ें पानी लगना है, सभी चीज़ें हैं, तो उपलब्धता क्या है इस वक्त आपकी, लाइट आ रही नहीं आ रही, तो ये सब चीज़ें उपज पे प्रभाव डालती हैं, पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जी उपज पे प्रभाव पड़ता है। अभी फरवरी आ गया है, अभी बुआई शुरू हो जाएगी, हमारे किसान भाई बुआई शुरू हो गए, तो अभी बहुत से मेथड हैं हमारे पास, जैसे रिंग मेथड है, ट्रेंच मेथड है, FIRB मेथड है, सामान्य मेथड है, और भी कुछ किसान अपनी तरफ से इजाद करते हैं, इन सभी मेथड्स में आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला जो सस्टेन करे प्रोडक्शन को ज़्यादा समय, दो चीज़ें हैं, किसान की अपनी फिजिबिलिटी क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जी जी। चीज़ें देखने में और समझने में अच्छी लगती हैं, परंतु किसान उनको अपना पाने में कितना अपने को सक्षम पाता है, ये सबसे बड़ा पहलू है किसी भी चीज़ का। फिर भी अगर अच्छी, जैसे मैं एक बार बताऊं, आप एक बार बताइए कि कौन किसान नहीं चाहता मुझे ज़्यादा उपज मिले, ऐसा कोई किसान नहीं, पर जिस वक्त बुवाई हो रही होती है, आप भी फील्ड में निकलते होंगे, तो लोग नाली में ही डाल के गन्ने काटते हुए आपको मिलेंगे जी जी जी। सब जानते हैं कि टुकड़े काट के उसकी टुकड़े से बुवाई करिए, डॉर्मेंसी टूटेगी, ये होगा वो होगा, सब चीज़ें बताता है फील्ड स्टाफ जाके, और जानते भी हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो करना नहीं चाहता, परंतु लेबर प्रॉब्लम, हमारी कहा जाए मनी प्रॉब्लम, हर चीज़ें आदमी के सामने आती हैं, और उस हिसाब से वो अपने को मैनेज करता है, जानते हुए भी, मतलब कि हम ये चीज़ करेंगे, तो अगर आप उससे कहो कि जहाँ एक एकड़ लगा रहे हो आधा एकड़ लगाओ, नहीं उसका वो किसान मानने को तैयार होता है इस चीज़ को। तो इसलिए किसानी कठिन भी है जी, और दोनों ही चीज़ें हैं, सरल भी है और कठिन भी है। लेकिन आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, डबल इनकम कैसे होगी,
आप तो पद्मनगर से पढ़े हैं, आपने बहुत पहले भी SCAG की थी, तो अभी तक आप उस पर कुछ सटीक बात हमारे किसान भाइयों को बताएं कुछ बिंदु, कि क्या ऐसे बिंदु कुछ आपके सटीक दो चार बिंदु हैं जिन पर किसान आगे बढ़े। नहीं, मैंने कहा ना कि किसी भी चीज़ के लिए समय पे आपके खेती जो भी करें, आप चाहे किसी भी फसल को करें, धान गेहूँ गन्ना, तो इसके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि एक तो समय पे जो उसकी कर्षण क्रियाएं होनी है वो समय से हो जी। और समय से होने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि फार्मर की फिजिबिलिटी क्या है, फार्मर के जेम क्या अलाउ कर रही है, ये सब चीज़ें ज़्यादा माने रखती हैं जी। तो ऐसी स्थिति में किसान चाहते हुए भी मजबूर होता है। अच्छा भाई साहब, जैसे 7 वैरायटी आपके पास है और 7 में से हमारे किसान भाई व्यूअर्स हैं बहुत से, जो इन वैरायटी, जो वैरायटी आपकी 238 रिप्लेस हो रही है जी, करनी है जी, वो 118 से आप रिप्लेस कर सकते हो जी, 98014 जी, वो भी अच्छी वैरायटी है जी, जी, जी। गन्ने को बांधना जरूर पड़ेगा, बढ़ती बहुत है वो, ये COS है, CO पूरा COS, अच्छा 98014 जी। इसको 4 फीट पे ही बोइए, अक्टूबर में बोना है या फरवरी में ही बोना है, 4 ही फीट पे बोइए। इसका बीज कहाँ से मिल जाएगा? 98014 का बीज अब दिखवाना पड़ेगा, रिसर्च में भी पूछ पता करना पड़ेगा आपको किसानों के फीड से। मेरे पास अक्टूबर में था, मैंने उसको टोटल बीज में ही बांटा है। अच्छा सब बीज में ही गया मेरा 98014। तो किसी को जरूरत होगी तो आपसे संपर्क कर सकता नहीं है? अब इस वक्त तो मेरे पास अब नहीं है, अगले अक्टूबर में, अगले अक्टूबर में भी जो फार्मर्स आपने दिया होगा उनके तो लिस्ट होगी आपके पास, तो वहां से वो बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी के माध्यम से आधार पौशाला थी, सोसाइटी के माध्यम से बांटी गई है, सोसाइटी ने नर्सरी भी बनाई है प्राथमिक की लोगों की, मैंने उनको जो लोग किसान ले गए थे जिनको उन्होंने पर्चियां लिख के दी थी ले गए हैं तो उनके पास होगा। और कौन वैरायटी भाई साहब जो कि जिनके आपके पास पौधशाला है? पौधशाला मैंने बताया आपको, इसके अलावा मेरे पास 8276 की पौधशाला थी, वो भी मेरा कुल गन्ना बीज में ही उठा है। अच्छा, और अच्छा गन्ना है, सामान्य का गन्ना है, सामान्य प्रजाति का गन्ना है और अच्छा गन्ना है जी। और पेड़ी भी उसकी रेटोनिंग भी अच्छी है जी। सामान्य में 12029 भी आपकी अच्छा गन्ना है जी। और बड़वार और पेड़ी सभी उसकी अच्छी हैं। मेरे ख्याल से अगर ये सब वैरायटी लगाई जाए तो किसानों को और मिल को भी फायदा रहेगा। और अक्टूबर में थोड़ा अर्ली तो बोते ही हैं, सामान्य भी थोड़ा बोई है अक्टूबर में जी। थोड़ा सामान्य भी बोइए जिससे प्रजातियों का एक साथ अकाल नहीं पड़ना चाहिए, कि अगर जैसे 83% 84% लोग कहते हैं कि इस वक्त आपका 238 है, अगर ऐसे में एक वैरायटी के ऊपर आप निर्भर हो गए तो ये आपके लिए दिक्कत वाला सबब बन जाता है किसान के लिए। तो किसान भाइयों से अपील करेंगे कि सामान्य प्रजाति भी अक्टूबर बुवाई में बोने का प्रयास करें। अच्छा ये भाई साहब, अभी कौन आपके पास वैरायटी है? चूंकि रिसेंट में किसान भाई बोएंगे, किसी कोई अगर देखेगा वीडियो वॉच करेगा उसको जरूरत पड़ी, तो अभी आपके पास कौन वैरायटी है उपलब्ध जो आपसे संपर्क कर ले? इस वक्त मेरे पास 118 है। अच्छा, जो हमारी चीनी मिल ने बीज के लिए रुकवाया है। अच्छा, और सामान्य में 12029 है और 9232। अच्छा, तो ये प्रजातियाँ अभी आपके पास रिसेंट में है? हाँ। और इन प्रजातियों को लेकर के कोई अगर इच्छुक हो तो आपसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर भाई साहब अगर 9415295534। ठीक भाई साहब, आपने बहुत कीमती समय दिया, आप लोग खुद ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई, और वो जानकारी जो खास तौर पे ऑफिसर्स बताते हैं या जो कॉरपोरेट वाले बताते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग बताते हैं, तो शायद वो उतनी ऑथेंटिक बात नहीं होती है, क्योंकि आप फील्ड पे कर रहे हैं और आपने खुद भी SCAG और अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है और चीनी मिल में भी आप वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक रहे हैं, तो आपकी बात का बहुत ही हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
और हम सभी से निवेदन करेंगे आप कुंभी चीनी मिल ग्राम कुंभी आपका हमारे भाई साहब का है और यहाँ चीनी मिल भी लगी हुई आप ही के मार्गदर्शन से आप ही के द्वारा ये जो है यहाँ पर चीनी मिल भी प्राप्त हुई है। क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का इसमें अथक प्रयास है और हम आपको बधाई देंगे कि आप ऐसे ही निरंतर ये चीनी मिल और आपका ग्राम विकास करता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान। धन्यवाद।